गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू द न्यू सेशन कंडक्टेड बाय सेंट जेम्स स्कूल एंड कॉलेज, सब्जेक्ट इंग्लिश फॉर क्लास के जी। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड। ए फॉर एप्पल के अलावा भी बहुत सारे साउंड निकलते, जैसे एंट हो गया, एरोप्लेन हो गया, जो भी ये फोनिक साउंड कहलाते हैं। जैसे हम ए से बहुत सारी चीज़ों को प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं हिंदी का, जैसे एरोप्लेन हो गया, एंट हो गया। इस तरह बी फॉर बॉल भी होता है, बैलून भी होता है, बॉय भी होता है। सी फॉर कप भी होता है, कैट भी होती है। बी फॉर डग भी होता है, डॉग भी होता है। इसी तरह जो यहाँ पे पिक्चर है सिर्फ आपको उन्हीं को नहीं पढ़ना है, आपकी बुक्स में होगा ए फॉर एप्पल, एरोप्लेन, जितने भी हैं आप उनको भी अपने जब आप पढ़ोगे उसको आप बोलोगे, ठीक है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैलून, सी फॉर कप, डी फॉर डग, ई फॉर आई, एड भी होता है और आई भी होता है, आई मीन्स आम। एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, ग्रेप्स भी होता है, गन भी होता है। एच फॉर हैन, हैट भी होता है और हैंड भी होता है। आई फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम के अलावा हम इग्लू भी बोल सकते हैं। जे फॉर जग, जोकर, जेली। के फॉर काइट, किंग। एल फॉर लॉयन, ज़्यादातर हमने क्या पढ़ा है, एल फॉर लॉयन पढ़ा है, मगर यहाँ पे क्या बनाया है हमने, लैम बनाया है ना। एम फॉर मैंगो, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर आउल, पी फॉर पेन, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रोज, एस फॉर सन, टी फॉर ट्री। आप उन लोगों ने क्या पढ़ा है, टाइगर पढ़ा है, तो हम ट्री भी बोल सकते हैं। यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वैन, डब्ल्यू फॉर वॉच, एक्स फॉर एक्समस ट्री, या हम ज़ाइलोफोन बोल सकते हैं और एक्स रे भी बोल सकते हैं। वाई फॉर याक पढ़ा है हमने, मगर ये क्या बना हुआ, यो यो बना है, ये एक टॉय होता है जिसे हम यो यो बोलते हैं। जेड फॉर हमने जेब्रा पढ़ा है, बट यहाँ पे क्या बना हुआ है, जिप बनी हुई है। फिर से एक बार इसका हम प्रिविजन करेंगे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैलून, सी फॉर कप, डी फॉर डक, ई फॉर आई, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हैन, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जग, के फॉर काइट, एल फॉर लैम्प, एम फॉर मैंगो, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर आउल, पी फॉर पेन, यू फॉर अम्ब्रेला, आर फॉर रोज, एस फॉर सन, टी फॉर ट्री, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yo-yo and Z for zip। ये अपन ब्लॉक से पढ़ेंगे। कुछ बच्चे हैं जो जब अल्फाबेट लिखते हैं तो उसको उल्टा बना देते हैं, ज़्यादातर बच्चे B को U बनाते हैं, है ना, और F को भी इस साइड से बना देते हैं। तो आज हम इसलिए इसको ऐसे पढ़ाएंगे ताकि आप इसको भूले कभी ना। ए तो आप अच्छे से बनाते हो बट बी कभी कभी उल्टा बना देते हो, तो हमें क्या देखना है कि बी जब हम घुमाते हैं तो बी किसको देखता है, सी को देखता है। जब हम ये देखेंगे कि बी सी को देख रहा है तो हम कभी भी उल्टा नहीं बनाएंगे, ठीक है। सी हम सही बनाते हैं बट डी भी कभी कभी हम उल्टा बना देते हैं, यू बनाते हैं ना, बना देते हैं। तो डी को भी हमें क्या करना है, किस तरफ घुमाना है, सी की तरफ घुमाना है। बी और डी जो है इसको देख रहे हैं, सी को देख रहे हैं, तो कभी भी आप उल्टा नहीं बनाओगे, ठीक है। इसमें एफ किसको देख रहा है, जी।
करके देखोगे तो आप कभी भी उल्टा लिखोगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको एक बार इसको अच्छे से देखना है और इसका रिविजन करना है, क्योंकि आप जब इस क्लास में आओगे तो आगे आपके लिए ए टू जेड पूरा आकर है, तभी तो आप आगे पढ़ाई करोगे ना। चलिए, ए फॉर, अभी मैंने क्या बताया था, एप्पल बताया था, अब एरोप्लेन बताएंगे। ए फॉर एरोप्लेन, बी फॉर बैलून बताया था, अब बी फॉर बॉल। सी फॉर कब बताया था, अब सी फॉर कैट। बी फॉर डक बताया था, अब बी फॉर डॉल। ई फॉर आई बताया था, अब ई फॉर एग। एफ फॉर फिश था, अब एफ फॉर क्या हो गया, फैन। जी फॉर ग्रेप्स था, अब जी फॉर गन। एच फॉर हैन बताया था मैंने, एच फॉर मैंने हैन बताया था, अब यहाँ पे एच फॉर क्या बता रही हूँ, हैट। ये फोनिक साउंड है ना, जो हम बोल रहे हैं उससे कई पिक्चर्स हो सकते हैं। आई फॉर आइसक्रीम बताया है, यहाँ पे आई फॉर एक वो। जे फॉर जब बताया है, तो जे फॉर जोकर। के फॉर काइट, के फॉर के। एल फॉर लैम्प बताया है, यहाँ पे एल फॉर लॉय। एम फॉर लैम्प, एम फॉर और क्या हो सकता है बताइए, मिरर हो सकता है, शीशा। एन फॉर नेस्ट, एन फॉर क्या होता है, नेस्ट होता है। एन फॉर और क्या होता है बताइए, नट, जो हम मूंगफली वगैरह खाते हैं उसे हम नट बोलते हैं ना, तो ये क्या हो गया, एन फॉर नट। ओ फॉर मैंने क्या बताया आपको, और बताया है। ओ फॉर आप क्या जानते हो, ऑरेंज। पी फॉर पेन बताया है, मगर हम सब क्या पढ़ते हैं, पी फॉर पैरेट। क्यू फॉर क्वीन, और क्यू फॉर क्यूब भी होता है, जो हम लाइन जिसमें लगाते हैं उसे हम क्यूब बोलते हैं। आर फॉर रोज, आर फॉर रैबिट। एस फॉर सन, और एस फॉर क्या होता है, एस फॉर और क्या हो सकता है सन के अलावा, आपकी बुक्स में पिक्चर्स बनी होंगी ना, एस फॉर, एस फॉर सन बोल देते हैं। ई फॉर ट्री, टी फॉर टाइगर। यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर हम अंकल भी बोलते हैं। वी फॉर वैन, जो पिक्चर्स बहुत बड़ी है वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप बहुत इजी नहीं समझ सकते, एस फॉर सन और वी फॉर वैन भी आप जानते हो, ठीक है। डब्ल्यू फॉर वॉच, एक्स फॉर एक्सरे और एक्सरे स्ट्री। Y for yak और yo-yo, Z for zebra और zip और zero भी हो सकते हैं।